एस्पिरेंट्स के बीच में इंडियन आर्मी की टैटू पॉलिसी को लेकर काफी कंफ्यूजन है। प्रॉपर टैटू पॉलिसी ना पता होने के कारण एस्पिरेंट्स मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान बाहर हो जाते हैं। तो अब सवाल आता है कि क्या आप अपनी बॉडी पर परमानेंट टैटू के साथ इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हो या नहीं? क्या है एग्जैक्ट रूल्स परमानेंट टैटूज को लेकर, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इंडियन आर्मी ने 2015 में अपनी टैटू पॉलिसी को चेंज किया है और इस न्यू टैटू पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप फोरआर्म के इनर फेस यानी इनर साइड ऑफ एल्बो से लेकर रिस्ट तक टैटू बनवा सकते हो, और साथ ही आपके हथेली के दूसरी साइड जिसे इंग्लिश में डॉर्सल साइड ऑफ द हैंड भी बोला जाता है, इन दोनों ही जगह पर आप टैटू बनवा सकते हैं। वैसे तो टैटू का साइज और टाइप स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन केवल छोटे टैटू ही अलाउड हैं जो मिलिट्री डिसिप्लिन ना वॉयलेट करते हों। जैसे कोई रिलीजियस सिंबल या किसी नियर एंड डियर वंस का नाम, ऐसे टैटू आप बनवा सकते हो, पर आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका टैटू ऑफेंसिव कंटेंट, सेक्सिस्ट या रेसिस्ट ना हो। अब चलिए इमेज के थ्रू देख लेते हैं कि एग्जैक्टली आप अपनी बॉडी पर कहां पर टैटू बनवा सकते हैं। बॉडी के वो पार्ट जिन्हें नंबर 1, 2 एंड 3 से मेंशन किया गया है, आप इन सभी जगह पे टैटू बनवा सकते हैं। वहीं दूसरे तरफ नंबर 4, 5 एंड 6 से मेंशन किए गए बॉडी पार्ट्स पर आप टैटू नहीं बनवा सकते हैं। इन बताए हुए पार्ट्स के अलावा आप अपने किसी भी बॉडी पार्ट पर टैटू नहीं बनवा सकते। यहाँ पर जो लोग ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनको फ्रीडम दी गई है, ये लोग अपने किसी भी बॉडी पार्ट पर टैटू बनवा सकते हैं इंक्लूडिंग फेस, पर वो टैटू उन्हीं की कम्युनिटी को सिंबलाइज करना चाहिए और वो टैटू ऑफेंसिव कंटेंट, इंडिसिडेंट फिगर, सेक्सिस्ट और रेसिस्ट नहीं होना चाहिए। तो अब इस वीडियो को मैं कंक्लूड करूं, तो आप उन बॉडी पार्ट्स पर टैटू बनवा सकते हैं जिसे नंबर 1, 2 एंड 3 से मेंशन किया गया है, और उसके अलावा आपके किसी और बॉडी पार्ट पर टैटू नहीं होना चाहिए। और यही रूल ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए नहीं है, उन्हें यहाँ पर फ्रीडम दी गई है। और आखिर जो भी हो, आपने जो अपनी बॉडी पर टैटू बनवा रखा है वो सारे गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। ये रूल लेफ्ट एंड राइट दोनों हैंड्स पर वैलिड है। और लास्ट में मेरा सजेशन, अगर आप सही में डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरी सलाह यही होगी कि आप किसी भी परमानेंट टैटू को ना बनवाएं। और अगर आपने पहले से कोई टैटू बनवा रखा है तो देखें कि वीडियो में बताए हुए गाइडलाइंस को आपका टैटू फॉलो कर रहा है या नहीं। अगर नहीं तो आप लेजर या दूसरा कोई मेथड से अपने टैटू को रिमूव कर सकते हो। लास्ट में एक इम्पोर्टेंट बात, अब आप कमेंट सेक्शन में पूछो कि मैंने तो डिफेंस पर्सनल को टैटू के साथ देखा है एंड ऑल, तो मैं बता दूं कि इंडियन आर्मी अपनी पॉलिसी टाइम टू टाइम चेंज करती है, और टैटू को लेकर जो भी फिलहाल गाइडलाइंस हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दी है। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइक करें इस वीडियो को एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।